दोस्तों आज फिर से एक नई टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो बताते चले कि सारा इंडिया कंपनी के पास काफ़ी लोगों का बकाया राशि है। लोग ऐसे में परेशान हो रहे हैं कि उनके जो भी अमाउंट हैं उनको वापस मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे। तो वहीं सारा इंडिया ने गरीब लोगों ने अपने पैसे मैच्योरिटी होने पे भी खर्च किए थे, लेकिन उनको हमेशा डर ये सता रहा है कि उनके पैसे का क्या होगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो समयावधि थी वो पूरी हो चुकी है और उनके पेमेंट वापस नहीं मिले हैं। तो काफ़ी लोगों ने पहले से शिकायत की थी कि सारा इंडिया द्वारा जो भी बकाया भुगतान है वो नहीं किया जा रहा है। हालांकि अब उसके लिए एक अच्छी खबर है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे सुनील कुमार मोदी जी ने, उन्होंने कहा है कि लोगों का जो भी बकाया अमाउंट है, मतलब जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है, तो वो यदि वो कंपनी भुगतान में आनाकानी करती है तो परेशान लोग आवेदन दें, उन आवेदनों पर सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि एक हफ्ते में सारा के निदेशकों की बैठक बुलाकर उन सभी समस्या पर बात की जाएगी। तो उप मुख्यमंत्री सुनील कुमार मोदी जी ने बिहार विधान परिषद में केदारनाथ पांडे के तारंकी प्रश्न का जवाब देते हुए ये बात कही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैच्योरिटी के अमाउंट अभी भी हमारे पास नहीं आए हैं, तो हम अभी मैचों को पेमेंट वापस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग जिनका पेमेंट वापस कंपनी नहीं कर रही है, तो वो अपने लोग वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सुनील कुमार मोदी ने आम जनता से अपील की है कि सारा इंडिया यदि मैच्योरिटी राशि का भुगतान नहीं कर रही है तो पीड़ित को आवेदन मिलने पर सरकार उनकी मदद करेगी और उनकी हर संभव सहायता करेगी ताकि उनका पेमेंट उनको वापस मिल जाए। इसके लिए कानून में व्यापक प्रावधान है। यदि सारा किसी तरह से दोषी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी आर्थिक अपराध इकाई में उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सारा इंडिया कंपनी की संपत्ति तब तक नीलाम की जा सकती है जब तक कि उससे मिलने वाला पैसा वैसे पीड़ितों को दिया जाए जिनका बकाया राशि कंपनी के पास है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की किसी को भी अगर कोई समस्या है, जिनको अगर पेमेंट अपना नहीं मिल पा रहा है, अगर उनको लगता है कि वो कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो अपना आवेदन सरकार के पास भेजें और अगर वो सारी चीज़ें सही होती हैं तो उनके जो भी बकाया भुगतान है वो उनको वापस मिलेंगे। ये सरकार दिलाने का अपना वचन दे रही है। तो अब ये भी देखना है कि सरकार इसमें किस तरीके से कितना अमाउंट लोगों को दिलवा पाएगी और लोग इसमें कितनी शिकायत वहाँ पे कर पाएंगे। तो दोस्तों, है वो सरकार को सारा सिटी से, मतलब सारा के जो हमारे मुखिया हैं सारा सिटी के, तो उनसे वो डेटा लेकर उसमें जो भी जिसका अमाउंट बन रहा है उसको उसी हिसाब से पेमेंट कर दें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और एक बार फिर से हमारा सारा का नाम अगर जहाँ पे पेमेंट होगा वहाँ पे, उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि सारा का एक बार फिर से वही नाम होगा जो हमारा 2007 में हुआ करता था। अब बात करते हैं कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो लिक्विडेट हुई कि नहीं हुई, अभी इस पर भी सारी चीज़ें चल रही हैं। ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि वो कितनी लिक्विडेट हुई है, कितनी नहीं हुई है, जबकि सुनने में ये आ रहा है कि 12,000 करोड़ जो है हमारा ज़मीन को अधिग्रहण जो किया गया था उसको बेच करके पेमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसी खबरें जो आती हैं तो उसका कोई भी ये नहीं मालूम हो पाता है कि वो खबर कितनी सही है या कितनी झूठी है। तो मेरा मानना ये है कि अभी तक फ़िलहाल हमारे हिसाब से किसी इन्वेस्टर को पेमेंट नहीं हुए हैं, और मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द वहाँ की जो भी जिला प्रशासन है, सरकार है, जो भी वहाँ पे, तो वो कोशिश करें कि प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करते हुए, ज़मीन को लिक्विडेट करते हुए, जितने भी इन्वेस्टर वहाँ के हैं जिन्होंने अपना अमाउंट लगाया हुआ था, तो उनको उसका अमाउंट भी ब्याज के उनको वापस कर दें। ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी ताकि आगे से फिर से सारा के पास एक बार फिर से एक नया बिजनेस खड़ा करने का मौका मिल जाएगा और वो अपने इन्वेस्टर का करीब 50% अमाउंट अपना वो रिसाइकिल में करा लेगा और इन्वेस्टर भी खुशी खुशी इसको कर देगा कि भैया चलो ठीक है, हमारा पेमेंट तो मिला, तो हम थोड़ा अमाउंट आपको फिर से दे देंगे। तो इस तरीके की प्रोसेस जो है करीब करीब अगर हर सिटी में अगर स्टार्ट कर दी जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे ख्याल से फिर कोई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा कि इन्वेस्टर को उनका पेमेंट मिला कि नहीं मिला।